हेलो गाइस, मैं हूं तक्षशी। स्वागत है आपको हमारे चैनल माइंड मैगजीन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री का चैप्टर जिसका नाम है एडी बीसी। ठीक है, एडी और बीसी के बारे में इस वीडियो में पूरे पूरे लेक्चर के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए कलिका लिखा हुआ है एडी एंड बीसी। ठीक है, एडी एडी मतलब होता है एंडोडर्म और बीसी मतलब फोकल। तो हम आगे रखते हैं, पहले सीरीज में सीरीज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है। समटाइम्स वी सी इयर्स रिटेन लाइक, हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग क्या देखते हैं, ईयर कैसा लिखा रहता है, 2000 एडी और 550 बीसी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समटाइम्स वी सी द इयर्स रिटेन लाइक 2080 और 550 बीसी। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए व्हाट डू यू मीन बाय, हम इसके इससे हम क्या जानते हैं। तो यहाँ देखिए व्हाट डू यू मीन बाय एडी इज आफ्टर आफ्टर जीसस बर्थ। देखिए एडी हम किसे कहते हैं, एडी मतलब जीसस के जन्म लेने के बाद, जीसस के जन्म लेने के बाद इस समय को हम एडी कहेंगे। और ये बीसी क्या कहेंगे, बीसी कहेंगे यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को हम बीसी कहेंगे, यानी फोर्थ टाइम बाद बॉर्न। एडी कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड एनो डोमिनी मीनिंग द इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, एडी जो क्या एडी जो आता है हमारे एक लैटिन वर्ड से आता है, एक लैटिन वर्ड जिसका क्या नाम है, लैटिन वर्ड एनो डोमिनी। एनो डोमिनी मतलब आपको तो है एडी एंडो डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड से आता है जिसका मीनिंग क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे कि एडी कम फ्रॉम द लैटिन लैटिन वर्ड डेस, और दूसरा क्वेश्चन एडी मींस डेस, लाइक यहाँ पे हो जाएगा एंडो डोमिनी इन डेस, इन द डेस डेस ईयर ऑफ द डेस, तीन चार पांच क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीसी कम फ्रॉम बिफोर क्राइस्ट। बीसी बीसी किस पीरियड को कहेंगे, तो बीसी हम उस पीरियड को कहेंगे जो कि ईसा मसीह के जन्म से पहले पहले जो बनाया जाता है उससे पहले के समय को हम बीसी में कहेंगे बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, उसके बाद देखिए ईयर बिफोर एंड आफ्टर। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो 550 बीसी मींस 550 ईयर्स बिफोर द जीसस बर्थ। देखिए 550 बीसी यहाँ पे क्या कह रहा है, 550 बीसी एक एक पीरियड होता है, एक मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे, ये देखिए ये हमारा टाइमलाइन पीरियड है, इससे 550 साल पहले यानी कि ईसा मसीह के जन्म के दिन से 550 साल पहले, तो वो जो होगा ईसा मसीह के 550 साल पहले जो चीज होगा हम उसे क्या कहेंगे, 550 बीसी। ठीक है, एंड 2000 एडी ऑलमोस्ट मींस 2000 ईयर आफ्टर द जीसस बर्थ। अब देखिए एक बार फिर से हम इस चैप्टर पे आते हैं, ये जीसस क्राइस्ट का बर्थ हो गया, उसके बाद जो होता है ना ईसा मसीह के जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद के दिन जो गिने जाते हैं वो एडी में गिने जाते हैं, और उनके जन्म से पहले के जो इयर्स या डेट्स गिने जाते थे तो वो 1, 2, 3, 4, 5, 500, 600 बीसी में गिने जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एंड 2000 ऑलमोस्ट मींस 2000 इयर्स आफ्टर द जीसस बर्थ। यहाँ पे जैसे अभी 2023 चल रहा है, तो अब ईसा मसीह का जो है 2023 एडी, तो आप देखिए 25 दिसंबर 2023 को क्या होगा, ईसा मसीह का बर्थडे होगा, जो कि ईसा मसीह 2023 साल के हो जाएंगे। तो ऐसे टाइम पीरियड को देखा जाता है बीसी और एडी में। ठीक है, एडी एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, एडी मींस एंडो डोमिनी,
उसके बाद जीसस क्राइस्ट के आने के बाद ईसा मसीह के आने के बाद कि पीटर को क्या इसमें गिनेंगे 182 AD 384। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वही चीज दिया हुआ है नाउ और दिस। यहाँ पे देखिए ये ईसा मसीह के बर्थडे मतलब कि 1st दिसंबर है 1st 080 1st। ठीक है, जो भी है देखिए उसके उनके जन्म के बाद के जो टाइम पीरियड होते हैं उनके बर्थ के टाइम पीरियड के बाद उसे एडी में एंड्रो डोमिनी में गिना जाता है। और उनके बर्थ के पहले तो 1 DC 2 DC 3 DC 4 DC अपने नेगेटिव पॉजिटिव वैक्सीन में पड़ा होगा तो आप चलते होंगे माइनस में तो माइनस में जाता है माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस सिक्स ऐसे ऐसे जाता है। उसी तरह से माइनस ये माइनस हो जाता है जीरो 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 पे ही जीएस टाइप का बर्थ हुआ तो उसके बाद ए भी चल जाता है हमारा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सो एडी इज एक्चुअली 1 ईयर आफ्टर द जीएस टाइप। मतलब कि 2 AD क्या होता है तो 2 AD में जीएस टाइप एक साल के होते हैं। ठीक है, ऐसा माना जाता है जब जीएस टाइप जन्म लिए थे तो वो एक में एक एडी था और दूसरे एडी में जीएस टाइप एक साल के हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद एंड 2018 इस बार एक्चुअली 1999 ईयर्स आफ्टर द जीएस टाइप। देखिए अगर आप देखिए 2020 चल रहा है तो ये एलडी बताता है कि 1999 साल पहले ईसा मसीह का बर्थ कब हुआ। ठीक है, ये कोई क्लियर नहीं है हुआ था कि नहीं हुआ था, ये ना भी मानते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है बट वी डू नॉट रियली नो व्हेन जीसस वाज बोर्न। ठीक है, लेकिन हम ये क्लियर नहीं जानते हैं कि जीसस बोर्न कब हुआ। ये भी एक लिखा हुआ है तो हम समझते हैं सम टाइम हिस्ट्री फॉर द एक्चुअल बर्थ ऑफ द जीसस पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।